Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing how do organisms reproduce, lecture number 3, or you can say reproduction as well. We have already talked about a lot. You can see my previous video for that. Today we will cover up artificial propagation of plants. आपको पता है बेटा कि आप काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं बाय मैन मेड मेथड्स. यही जो प्रोसेस है प्लांट्स को ग्रो करने का फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड्स, इसी को आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स कहते हैं. अगर हम किसी भी मैन मेड मेथड से प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स कहते हैं. काफ़ी सारे मेथड्स हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स में जो यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में. एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स को रेज करते हैं, बड़ा करते हैं, और हॉर्टिकल्चर में हम वेजिटेबल फ्रूट्स और फ्लावर्स को बड़ा करते हैं. तीन जो हमारे कॉमन मेथड्स हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स के, वो हैं कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग. ठीक है, अब वन बाय वन हम इन मेथड्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे कटिंग के बारे में. एक छोटा सा जो पार्ट है प्लांट का विच इज़ रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ. अगर हम किसी भी प्लांट के एक पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर दें और उसे कट कर दें एक शार्प नाइफ से, तो उसे हम बोलेंगे कटिंग. कटिंग जो है इसमें हम किसी भी स्टेम के पीस को, रूट को, या इवन किसी लीफ को भी कट कर सकते हैं. अगर कटिंग करने के दौरान हमें ये बात ध्यान रखनी है कि काफ़ी केयर करनी है, क्योंकि उसमें कई बर्ड्स होती हैं. जैसे आप देख सकते हैं पहले वाले फिगर में आपको स्टेम कटिंग विद बड प्लांटेड इन सॉइल आपको दिखा रहा है. देखिए स्टेम, इसका जो तना है, स्टेम जो है उसको कट किया गया और बड को रहने दिया गया. इसके बाद आप स्टेम कटिंग डेवलप्स रूट्स एंड शूट्स, क्योंकि जो स्टेम हमने कट किया था, कट वाले पार्ट जो रह गया था उधर से ही रूट्स और शूट्स को आप देख सकते हैं, और एक नया प्लांट फॉर्म हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं. ठीक है, तो क्लास वेजिटेटिव, ये सॉरी आर्टिफिशियल जो आपका प्रोपोगेशन है, इसमें हम आर्टिफिशियली मैन मेड मेथड से सीखेंगे कि किस तरीके से कटिंग की जाती है. इस मेथड में जो पेरेंट प्लांट है उसकी कटिंग की जाती है, चाहे वो स्टेम हो या शूट हो. उसमें कुछ बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उन्हें लिया जाता है और फर्दर लोअर पार्ट को मॉइस्ट सॉइल में बरी कर दिया जाता है. कुछ दिनों के बाद जो कटिंग है वो डेवलप करती है रूट्स को, शूट्स को, और फर्दर ग्रो हो जाती है नए प्लांट्स में. कटिंग भी एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है प्लांट्स के अंदर. नया जो प्लांट फॉर्म होगा कटिंग में वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा पेरेंट प्लांट का. प्लांट्स के कुछ नाम्स दिए हुए हैं जैसे ग्रेप्स, शुगर क्वीन, बनानास, कैक्टस एक्सेट्रा. इन्हें आप कटिंग के मेथड से ही ग्रो कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे रोज़ प्लांट, उसे हम प्रोपोगेट कर सकते हैं स्टेम कट करके. एक छोटा सा जो पीस होगा उसके स्टेम का जिसमें बर्ड्स होंगी, उसको कट कर दिया जाएगा एग्जिस्टिंग रोज़ प्लांट से विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ. तो जो लोअर पार्ट होगा कटिंग का, उसे मॉइस्ट सॉइल में बरी कर दिया जाएगा. ये आपको ध्यान रखना है. कुछ दिनों के बाद जो एंड होगा कटिंग का, वो सॉइल में जो बरी किया था हमने, जो सॉइल में गाड़ा था, वो डेवलप हो जाएगा रूट में और फर्दर ग्रो कर जाएगा एक नए रोज प्लांट में. ठीक है, एडवांटेजेस जो हैं कटिंग मेथड की वो ये हैं कि इस मेथड के द्वारा आप नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एक ही प्लांट से क्विकली, बगैर फ्लावर्स और सीड्स का वेट किए. दूसरी लखमीर सिंह से आप देख सकते हैं बेटा, जैसा कि यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि जो कटिंग की गई है किसी भी प्लांट से, उसे जार ऑफ वाटर में रखा गया है और देखिए कैसे वो पूरा का पूरा ग्रो कर गया. रोज़ प्लांट्स को इसी तरीके से कटिंग मेथड से, रोज़ जनवरी में ज़्यादा ठंड में आपको गुलाब की खेती दिखेगी, रोज़ गार्डन में भी आप जाएंगे तो आपको दिखेगी. तो रोज़ प्लांट जो है इसी तरीके से ग्रो होता है कटिंग मेथड के द्वारा. शुगर केन प्लांट्स भी कटिंग मेथड से ही ग्रो होता है. बनाना प्लांट्स भी कटिंग मेथड से ही ग्रो होता है. इसके बाद अगले मेथड की बात करेंगे, इसका नाम है लेयरिंग. पेज नंबर 136 पे जिन बच्चों के पास लखमीर सिंह है देख सकते हैं. इस मेथड में किसी भी प्लांट की ब्रांच जो होती है वो
इट इज़ पुल्ड टूवर्ड्स द ग्राउंड, और इसका कोई भी जो पार्ट है इट इज़ कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल लीविंग द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज. जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये जैस्मीन प्लांट है, इसे हिंदी में चमेली का प्लांट कहते हैं. ये लेयरिंग मेथड के द्वारा ही ग्रो किया जाता है. कुछ समय के बाद जो नई रूट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांच. देखिए, जो ब्रांच का पार्ट यहाँ पर मिट्टी में दबाया गया था उसी से आप देख सकते हैं ब्रांचेस निकलेंगी फर्दर पेरेंट प्लांट से. फिर मतलब वही प्लांट ग्रो हो गया, मेरा कहने का मतलब है फिर ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम पेरेंट प्लांट जो मेन प्लांट था उससे कट कर देते हैं. तो जो पार्ट है ब्रांचेस का जिसमें रूट्स डेवलप हो रही हैं और वो ग्रो कर रहा है और पूरा एक नया प्लांट बना रहा है. मैंने पहले ही बताया जैस्मिन यानी कि चमेली जो है वो इसी तरह से प्रोड्यूस किया जाता है लेयरिंग मेथड के द्वारा. जैसे कि आप देखिए ना, प्लांट्स की कुछ पार्ट को हमने क्या किया था, ब्रांचेस को मिट्टी में डक कर दिया था सॉइल में और वहीं से नए निकलने लग गए और फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो कट कर दिया उनको. तो अलग एक ही पेरेंट प्लांट से और हमें प्लांट्स मिल गए. आप फिगर नंबर 35 में ही जो मैंने अभी दिखाया था फिगर आपको, आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड की ब्रांच है और एक राइट साइड की ब्रांच है पेरेंट जैस्मिन प्लांट की, उन्हें मॉइस्ट सॉइल में बरी किया गया था. देखिए ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट वाली ब्रांच है, ये राइट वाली ब्रांच है, इन्हें मॉइस्ट सॉइल में बरी किया गया, ठीक है, दबाया गया अच्छे से. जो पार्ट्स हैं ब्रांचेस के विच आर बरिड इन सॉइल दे ग्रो देयर ओन रूट्स. अब जो नए पार्ट्स हैं उनकी अपनी ही रूट्स ग्रो होंगी और ऐसा जब होगा तो जो ब्रांचेस होंगी पेरेंट प्लांट की विच आर कनेक्टेड टू द न्यूली फॉर्म्ड प्लांट्स आर कट ऑफ सो दैट द न्यूली फॉर्म्ड प्लांट्स में ग्रो ऑन देयर ओन और वो मैच्योर प्लांट्स में ग्रो हो पाएंगे. कई प्लांट्स हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी, रेसबेरी, ये ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं नेचुरल लेयरिंग मेथड से. जो नेचुरल लेयरिंग मेथड है वो अकर करता है क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये रनर्स फॉर्म करते हैं. रनर्स क्या होते हैं, ये सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल स्टेम्स होते हैं विच आर रनिंग अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर होते हैं. वेर एवर द एंड्स ऑफ सच रनर्स टच द ग्राउंड, जब ये जो एंड इन रनर्स के टच करते हैं ग्राउंड को तो नए प्लांट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ऐसे प्लेसेस पे. और इस तरीके से ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज और रेसबेरीज जो हैं वो प्लांट की फॉर्म होती है. जो लेयरिंग मेथड है वो प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के लिए यूज़ होता है. इसके कुछ एग्जांपल है जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, रेसबेरी, लेमन, गुआवा, काफ़ी सारे इसमें से आपने देखे भी होंगे बेटा. हाँ, हिबिस्कस, ये चाइना रोज होता है, ये केमिस्ट्री लैब में यूज़ होता है, ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे स्लेंडर ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसमें आते हैं. अगला मेथड है ग्राफ्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से समझिए. ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है इसमें हम स्टेम दो अलग अलग प्लांट्स डिफरेंट प्लांट्स की स्टेम को कट कर देते हैं. एक ऐसा होता है जिसकी रूट्स हों और एक ऐसा होता है जो बगैर रूट्स के हो और उनको हम देखिए ध्यान से देखिए फिगर में देखिए. जैसा कि आप देख सकते हैं स्लांटिंग कट्स हमने लगाए हैं. एक स्कॉयन है जो स्टेम दूसरे प्लांट का, एक स्टॉक है जिसकी रूट्स हैं. अब हमने किया क्या है, इन दोनों प्लांट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनमें मतलब दोनों के ही आएंगे, ओरिजिनल प्लांट्स के आएंगे. देखिए जो कट स्टेम है प्लांट का या ट्री का उसके रूट्स हैं वो सॉइल में फिक्स है. जैसे ये वाला सॉइल में फिक्स था नीचे वाला, ठीक है. और जो दूसरा है और इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं. स्टॉक जो है वो लोअर वाला पार्ट है जो सॉइल के अंदर फिक्स है, ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और जो दूसरा वाला प्लांट था बगैर रूट्स के उसे हम कहते हैं स्कॉइन. ओके, स्कॉइन जो है वो अपर पार्ट है प्लांट का, मैं फिर से बता दूं, और जो स्टॉक है वो लोअर पार्ट है, उसकी जो है रूट्स होती हैं. आप बैठ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा. ग्राफ्टिंग कैरी आउट करने के लिए हमें दो प्लांट्स चूज करने होते हैं जिन्हें हम स्कॉइन और स्टॉक कहते हैं. स्टॉक नीचे वाला पार्ट है और स्कॉइन ऊपर वाला पार्ट है. सबसे पहले जो स्टेम है उसे हम रिमूव करते हैं प्लांट से, विच इज़ चूजन टू बी मेड एज स्कॉइन बाय मेकिंग अ स्लांटिंग कट. देखिए कट लगाए गए हैं, स्लांटिंग कट ऐसे लगाए गए हैं. तो इससे क्या होता है, जो स्कॉइन है विद अ स्लांटिंग कट ये ऊपर वाला, और जो स्टेम है दूसरे प्लांट की जो ग्राफ्टिंग में यूज़ हो रही है वो उसमें भी स्लांटिंग कट लगाया जाता है. और फिर देखिए इन दोनों को हमने जोड़ दिया है इकट्ठे, राइट.
जो लोअर पार्ट है प्लांट का वो स्टॉक है, उस पर भी स्लांटिंग कट है। फिर स्क्वाइन को एग्जैक्टली स्टॉक के ऊपर रखा है, कट कुछ इस तरह से लगाए गए थे कि ये दोनों जुड़ जाएं आपस में, ओके। द कट सर्फेसिस ऑफ द स्क्वाइन एंड स्टॉक आर फिटेड टूगेदर, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, एंड दे आर बाउंड टाइटली विद अ पीस ऑफ क्लोथ एंड कवर्ड प्रॉपरली, और उन्हें टाइटली बाउंड कर दिया गया, राइट। पॉलिथिन शीट भी लगा दी गई है ताकि और कोई हार्मफुल इन्फेक्शन बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा ना हो, और लॉस ऑफ वाटर और प्लांट सैप जो है कट से, और इसके वाला जो इसके जॉइंट एंड्स हैं स्टॉक और स्क्वाइन के, वो आप देख सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे स्क्वाइन को स्टॉक से, तो आपको एक बात बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो कैम्बियम लेयर है स्क्वाइन की वो कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए कैम्बियम लेयर ऑफ स्टॉक, दोनों मतलब आपस में कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। तो कटिंग ही इस तरीके से करनी है। ये देखिए ग्राफ्टिंग से एप्पल ट्री को किया गया है, आप एप्पल ट्री देख सकते हैं फिगर में। तो क्लास जल्दी ही ये जो कट आपने लगाए थे वो तो बहुत जल्दी हील हो जाएंगे, और जो स्टॉक और स्क्वाइन थे दोनों प्लांट्स के, वो इकट्ठे ग्रो करेंगे और एक ही प्लांट बन जाएंगे। स्क्वाइन कंटिन्यू करता रहेगा और ओरिजिनल अपनी लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स देता रहेगा, और वाटर और मिनरल जो हैं फूड के लिए नेसेसरी हैं फ्रॉम द चूजन स्टॉक। फ्रूट्स विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द प्लांट, क्योंकि वो स्क्वाइन और स्टॉक दोनों से मिलकर बना था, आपको ध्यान हो। ग्राफ्टिंग का जो यूज है वो फ्रूट ट्रीज को ब्रीड कराने के काम में आता है, और बुशेस को फ्लावर कराने के काम में आता है। एप्पल पीच एप्रिकॉट और पियर ट्रीज ये अधिकतर ग्राफ्ट किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ग्राफ्टिंग मेथड की आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ग्राफ्टिंग से ये चीज़ एनेबल हो पाती है कि अगर आपको दो प्लांट्स हैं उन्हीं दोनों के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो ग्राफ्टिंग मेथड सबसे बेस्ट टेक्निक है। ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा एक बहुत ही यंग स्काइन जो शूट पार्ट था प्लांट का, इट कैन मेड टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स क्वाइट फास्ट, जल्दी उस पर फल आएंगे नए। इट इज़ ग्राफ्टेड टू द स्टॉक ऑफ अ मैच्योर प्लांट। इसके अलावा इट अनेबल अस टू ऑब्टेन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैविंग डिफरेंट डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक बाय ग्राफ्टिंग स्क्वाइंस फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट ऑन द सेम स्टॉक। काफ़ी सारी जो वेराइटीज़ हैं मैंगोज की वो ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो ग्राफ्टिंग है उसे हम बहुत सीडलेस, बहुत तरीके का सीडलेस फ्रूट भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज़ किया जाता है फॉर प्रोपोगेशन और रिप्रोडक्शन ऑफ दोज प्लांट्स विच प्रोड्यूस ईदर वेरी फ्यू सीड्स और दे डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स। कई इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है बनाना पाइनएप्पल ऑरेंजेस ग्रेप्स रोज एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एडवांटेजेस हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, क्या एडवांटेजेस हैं। जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है फॉर्म और गार्डन प्लांट्स का, उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। उनमें से कुछ एडवांटेजेस हैं कि जो नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है बाय द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो एग्जैक्टली सेम होगा पेरेंट प्लांट का, उसके कोई भी जो डिज़ायरेबल फीचर्स हैं प्लांट के वो रेप्लिकेट हो जाएंगे नए प्लांट्स में। जो फ्रूट ट्रीज ग्रो हुए हैं सीड से उन्हें काफ़ी समय लग सकता है, दे स्टार्ट टू बियर फ्रूट, बट द फ्रूट ट्रीज ग्रोन फ्रॉम कटिंग्स और बाय ग्राफ्टिंग स्टार्ट टू बियर फ्रूट्स मच अर्लियर। जो प्लांट्स आपके ग्रो हो रहे हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उन्हें कम अटेंशन की ज़रूरत होती है शुरुआती ईयर्स में। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो ग्रो कर जाते हैं फ्रॉम वन पेरेंट प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। इसके अलावा आपको सीडलेस प्लांट भी मिल सकते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के द्वारा। तो बेटा जो हमने डिस्कस किए कटिंग लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये ट्रेडिशनल मेथड है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स के लिए। कमर्शियल पर्पसेस के लिए इन्हें हम रिप्लेस करेंगे कुछ मॉडर्न मेथड्स के द्वारा जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम कुछ प्लांट सेल्स या प्लांट टिश्यूज एक ग्रोथ मीडियम में प्लांट कर देते हैं जिसमें प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, और वही नए पूरे के पूरे नए प्लांट में डेवलप होते हैं। तो अब बात करेंगे
अब बात करेंगे टिश्यू कल्चर की। जो मैंने कि पहले भी बताया, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, किसी भी नए प्लांट का प्रोडक्शन किसी स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू से या सेल से, जिसे रिमूव किया गया है ग्रोइंग टिप्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ अ प्लांट इन अ सूटेबल ग्रोथ मीडियम, कल्चर सॉल्यूशन भी उसे कहते हैं, इसी को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, राइट। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पर हम नया प्लांट एक प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट टिश्यू या छोटे से प्लांट टिश्यू से या सेल से, जिसे रिमूव कर दिया गया था किसी भी ग्रोइंग टिप्स ऑफ किसी और प्लांट से जो ग्रो कर रहा था, राइट। इस टेक्निक को हम कहेंगे टिश्यू कल्चर। अब बेटा ये जो ग्रोथ मीडियम है जो यूज किया जा रहा है प्लांट ग्रो करने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेली, जिसे अगर भी कहते हैं, और जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए काफ़ी नेसेसरी है। अब इस प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर के बारे में हम बात करेंगे जो नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के काम में आता है। सबसे स्मॉल पीस ऑफ जो प्लांट टिश्यू है, इट इज़ टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट एंड इट इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्टेराइल जेली जिसमें न्यूट्रेंट्स और प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं। यही हार्मोन्स जो हैं मिलके सेल बनाते हैं और यही प्लांट टिश्यू जो है वो रैपिडली डिवाइड होता है बहुत सारे सेल्स में और एक शेपलेस लंप ऑफ मास फॉर्म करता है जिसे कहते हैं कैलस। ध्यान रखिएगा, इसके बड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले फिगर में एक स्मॉल पीस है प्लांट टिश्यू का, वो उसे लिया गया है फॉर फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ अ प्लांट। प्लांट टिश्यू देखिए ग्रो कर रहा है और कैलस बना रहा है। यही जो कैलस है इस कैलस को फिर हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक और जेली में जो कंटेन करेगी सूटेबल प्लांट्स हार्मोन्स। वो फर्दर स्टिमुलेट करेंगे कैलस को ताकि रूट्स बन जाए। द कैलस विद डेवलप रूट्स इज देन पुट ऑन अ येट अनदर जेली कंटेनिंग डिफरेंट हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ शूट्स। ये जो कैलस है जिसके रूट्स और शूट्स हैं, ये फर्दर सेपरेट हो जाएगा छोटे छोटे प्लांटलेट्स में। इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स ये प्रोड्यूस करेंगे, एक कुछ ओरिजिनल प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कैलस रूट्स और शूट्स में डेवलप हो रहा है, बहुत सारे प्लांटलेट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो ट्रांसप्लांट कर दिए जाएंगे किसमें, पॉट्स में या सॉइल में। ये जो प्लांटलेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, इन्हें रख दिया जाएगा या तो पॉट्स में या सॉइल में, जहां पर ये ग्रो कर जाएंगे और मैच्योर प्लांट बनाएंगे, बड़े हो जाएंगे खुद ही, ठीक है। जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है इसका लगातार यूज किया जाता है ताकि ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे कि ऑर्किड्स, डहिला, कार्नेशन, ये सब प्रोड्यूस किए जा सके। ये जो प्रोडक्शन है प्लांट्स का बाय द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, इसे हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्लांट मटेरियल यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्या एडवांटेजेस हैं टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर एक बहुत ही फास्ट टेक्निक है, थाउजेंड्स हज़ारों की संख्या में जो प्लांटलेट्स हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं कुछ ही हफ्ते के समय में, और एक छोटे से प्लांट टिश्यू की हेल्प से। जो नए प्लांट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं टिश्यू कल्चर के द्वारा वो डिजीज़ फ्री होते हैं। टिश्यू कल्चर फर्दर प्लांट्स में ग्रो कर जाता है समय के साथ साथ, ठीक है, एक साल में, चाहे वो वेदर कुछ भी हो या सीजन कोई भी हो। बहुत ही लिटल स्पेस की ज़रूरत होती है ताकि नया प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा डेवलप हो सके। अब आता है बेटा कि क्या ऑर्गेनिज्म भी एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं अपने आप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो रिजल्ट्स आ रहा है, इट इज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब सेम ऑफस्प्रिंग मिलते हैं। सिर्फ जो एक जेनेटिक वेरिएशन इस रिजल्ट की वजह से आ रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ द ओकेशनल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए कॉपिंग में एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अब ये इसके बारे में हम बात करेंगे कि वो मटेरियल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, उसे कहते हैं डीएनए, और डीएनए की फुल फॉर्म है
डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखना, ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लाई ऑफ ऑल द सेल्स. जो बेसिस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसे क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं. गरिमा आप उस दिन पूछ रखते रहे थे तो माइटोसिस की डेफिनेशन मार्क कर सकते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिस है उसे माइटोसिस कहते हैं. ये डिवीजन है किसी भी न्यूक्लियस का उसके दो आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लाई में. हर डॉटर न्यूक्लाई जो होता है उसका सेम जेनेटिक सेम होता है, क्योंकि जो रेप्लिकेशन है डीएनए का उसकी वजह से. ये देखिए पेरेंट सेल है, आप देख सकते हैं फिगर में, न्यूक्लियस और डीएनए आप देख पा रहे हैं. डीएनए कॉपिंग करके दो मॉलिक्यूल्स डीएनए के बना लिए गए हैं, फर्दर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और दो डॉटर सेल बन गए. ठीक है, तो क्लास ध्यान में रखना है कि जब डिवीजन हो जाएगा न्यूक्लियस का तो बाकी पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होगा और दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाएगा. यही जो डॉटर सेल है ये फर्दर ऑफस्प्रिंग बनाएंगे दो, और इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग है वो एक पेरेंट प्रोड्यूस करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो लगभग आइडेंटिकल होंगे. जो नए ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय वन पेरेंट थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे पेरेंट के, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं. क्लोन्स एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं डीएनए के, अपने ही पेरेंट के समान होते हैं, और तभी उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं उनके पेरेंट्स के साथ और आपस में भी. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जेनेटिकली आइडेंटिकली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, उसे क्लोन्स कहते हैं. एग्जांपल के तौर पे अगर कोई पेरेंट हाइड्रा रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअल मेथड ऑफ बडिंग के द्वारा, तो जो नया हाइड्रा फॉर्म हो रहा है उन्हें क्या कहेंगे, क्लोन्स कहेंगे. वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट हाइड्रा के और आपस में भी एक दूसरे के. सिमिलरली अगर आप कटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं किसी भी नए प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो आप क्लोन बना रहे हैं, और ये जो कटिंग आ रही है प्लांट की ये सेम डीएनए यानी कि सेम जीन्स कैरी करेगी ओरिजिनल प्लांट के कंपैरेटिवली. तो ये कटिंग फर्दर ग्रो हो जाएगी और एक एग्जैक्ट कॉपी बनाएगी ओरिजिनल प्लांट की, तो जो क्लोन आपका फॉर्म हो रहा है, यही जो क्लोन है प्लांट्स के, इन्हें हम प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा, जैसे कि कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर वगैरह वगैरह. ये जो डेज हैं, टेक्निक्स इसमें डेवलप हुई हैं टू क्लोन इवन एनिमल्स. जैसे डॉली की बात की थी जो शीप थी, 1997 में इनके बारे में काफ़ी लिखा गया था, ये सबसे पहला सक्सेसफुल एनिमल क्लोन था. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इज कॉल्ड क्लोनिंग. तो अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे हल्के से भी वेरिएशन जो कि इंट्रोड्यूस हुए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जो रेप्लिकेशन है डीएनए का सेल में, इसे हम बायोकेमिकल रिएक्शन की हेल्प से करते हैं जो फर्दर सिंथेसाइज हो जाती है और जेनेटिक मटीरियल बनाती है. कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसी नहीं है जो 100% सेम रिजल्ट दे. इसी वजह से जो डीएनए होता है वो ऑलरेडी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, वही पेरेंट सेल का रिप्लिका होता है. ऊपर जो हमने इतनी डिस्कशन की इससे हमने ये सीखा कि इम्पॉर्टेंस क्या है डीएनए रेप्लिकेशन की या डीएनए कॉपिंग की. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल हल्के से वेरिएशंस आते हैं जो उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बच्चों में आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. Although the offspring produced by asexual reproduction are said to be genetically the same as the parent organism, but still they have occasional variation. बहुत ही कम variation होते हैं, right? इसका मतलब है कि organism हमेशा exact copy नहीं बनाएगा अपने आपकी asexual reproduction में. आपको ये note करना चाहिए कि जो importance है DNA copying का asexual reproduction में वो यही है कि जो characteristic है parent organism के वो फर्दर उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट किए जाएंगे, और सेम टाइम पे कई ओकेशनल वेरिएशन भी प्रोड्यूस किए जाएंगे, राइट? जो इम्पोर्टेंस है वेरिएशन की ऑर्गेनिज्म में जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, वो हेल्प करता है स्पीशीज़ को, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज़ हैं वो सर्वाइव कर सकें और फ्लरिश कर सकें एडवर्स, मतलब कि बहुत बुरे एनवायरमेंट में भी आगे
जनरेशन अपनी बढ़ा सके, क्योंकि कई ड्रास्टिक चेंजेस जैसे कि एक्सेसिव हीट या कोल्ड या शॉर्टेज ऑफ वाटर किसी भी हैबिटेट में अगर हो गए स्पीशीज के ऑफ, तो सारे जो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है जो उस हैबिटेट में रह रहे हैं दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, लेकिन जो उनका डेंजर होगा उसकी वजह से कई तो मर जाएंगे लेकिन कई सर्वाइव कर जाएंगे। तो इससे ये बात एलिमिनेट हो जाती है कि स्पीशीज फ्रॉम दैट दिस विल एलिमिनेट द स्पीशीज फ्रॉम दैट हैबिटेट कम्प्लीटली। अगर कई वेरिएशन प्रेजेंट है कई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में जो टॉलरेट कर पा रही हैं एक्सेसिव हीट या कोल्ड को और सर्वाइव कर पा रही हैं कई वेरिएशंस पर, राइट, देन देयर इज अ चांस फॉर देम टू सर्वाइव एंड फ्लरिश इवन इन एडवर्स एनवायरमेंट। तो इस तरीके से हम जो इंट्रोडक्शन है वेरिएशन का रिप्रोडक्शन के दौरान वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है पॉपुलेशंस को ऑफ वेरियस स्पीसीज बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग वाइप्ड आउट एडवर्स कंडीशन। एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई पॉपुलेशन है जिसमें सर्टेन बैक्टीरिया था जो टेम्परेट वाटर में रह रहा था, जो टेम्परेट मतलब जो ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, तो जो टेम्परेचर वाटर का अगर बढ़ गया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो अधिकतर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा, लेकिन कई बैक्टीरिया ऐसा होगा कई बैक्टीरिया जो वेरिएशन की वजह से सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है क्लास, तो क्लास दिस वॉज ऑल अबाउट योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होमवर्क में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देन इन आर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।